नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिए हैं संकेत, आने वाले 3 दिनों के अंदर एक पत्र आप सभी का जीवन बदल देगा। जी दोस्तों आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं बहुत ही बड़े चमत्कार। आप सभी के जीवन काल में आपको 7 बड़े शुभ समाचार मिलने वाले हैं, जिन्हें शुरू कर दोस्तों आप सभी के दुश्मनों के भी होश उड़ जाएंगे। आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह खुशखबरी पूरे परिवार को चौंका देने वाले साबित होंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के सोए हुए किस्मत की किरण जगमगाने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता आपके साथ आ चुके हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपने अपने जीवन काल में ऐसी सारी समस्याओं का सामना किया है जिनमें आपको ईश्वर का साथ मिला है। जी दोस्तों, और इन्हीं सभी के कारण आपका हौसला भी बुलंद रहा है। हर समस्याओं का समाधान आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए किए हैं। लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले से आप सभी के जीवन काल में ऐसी घटनाएं होने लगी है कि आपका मन बहुत ही अस्थिर हो चुका है और आपको लगने लगा था कि आपके जीवन काल में अब बदलाव हो ही नहीं सकता, शायद भगवान का हाथ ही आपके जीवन काल से हट चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि बुराई कितना भी ताकत लगा ले, सच्चाई के सामने उन्हें हार माननी पड़ती है। जी दोस्तों, और यह समय भी आप सभी के जीवन काल में आपकी सच्चाई का जीत दिलाने सभी देवी देवताओं ने भी गवाही दे दी है। जी दोस्तों, तो दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने जो संकेत दिए हैं उनके अनुसार आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना होगा। साथ ही यह देवी देवता आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, इन्हें सभी की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहों के गोचर पर आधारित है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। शादी दोस्तों यश में आपको कौन सी विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए ताकि 33 कोटि देवी देवताओं का अशुभ आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल पर लगातार पड़ती रहे। जय दोस्तों, तो दोस्तों सभी बातें बहुत ही गहरी तरीके से आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब अंत तक देखना आप सभी का जिम्मेदारी होगा। बस हम इस बात की गारंटी देते हैं कि दोस्तों वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो दोस्तों आपको जीवन में बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और आप खुशी की अनुभूति अवश्य करेंगे। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। 33 कोटि देवी देवताओं का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवद गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ, तू नाच रहा है। भक्त बोला, भगवान मेरे प्रभु, आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। जी दोस्तों, और इसी प्रकार दोस्तों भगवान भी हमारा परीक्षा लेते हैं। तो दोस्तों अगर भगवान हमें कोई भी परिणाम दे, हमें उन पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान अच्छे कर्म का अच्छे ही फल देते हैं। भले ही यश में हमें वह बुरा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों वह फल हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा है और यह बात हमें बाद में जाकर पता चलेंगी। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों विषय के साथ बात करते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं ने जो संकेत दिए हैं वह कौन कौन से संकेत हैं। शादी दोस्तों आपको अब कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी के राशि पर पड़ने से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही गहरा प्रभाव अब पड़ने वाले हैं। जी दोस्तों, आने वाले समय में 2 से 4 दिनों के अंदर सकारात्मक विचारधारा के लोगों के संपर्क में रहने का आपको अवसर प्राप्त होगा। जी दोस्तों, जिससे आप अपने अंदर सकारात्मक बदलाव भी महसूस करेंगे
33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से यश में आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलने वाले हैं। जीवन स्तर को सुधारने के लिए विशिद्धांतवादी तथा व्यापक दृष्टिकोण भी आप रखेंगे और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच होगी। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से अब आपके प्रभावशील लोगों से संपर्क बनने वाले हैं। जी दोस्तों, और उनसे आपको रहन सहन की नई नई जानकारियाँ मिलने वाली हैं। सामाजिक व फिर राजनीतिक गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति रखें। दोस्तों, विद्यार्थीगण अपनी कार्य क्षमता पर पूरा विश्वास रखें। 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से अब आपको हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, यश में वे पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई के प्रति भी एकाग्रचित रहें क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो दोस्तों, यकीनन मानिए आपके कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स की संभावना दिख रही है। जी दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि अब आस पड़ोस की गतिविधियों में आपका वर्चस्व रहेगा। शादी दोस्तों, प्रॉपर्टी के खरीद से रोग संबंधी कोई प्लानिंग है तो यह समय क्रियान्वित हो सकती है। संतान की किसी समस्या को हल मिलने से आपका सहयोगात्मक रवैया रहेगा जो कि आपके घर परिवार के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जी दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद अब आपके साथ रहने से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलन का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यवस्था बनी रहेगी जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। मित्रों, शलाभ भाग्य उदयदायक साबित होगा। जी दोस्तों, कोर्ट केस में जो भी उपस्थिति है वो आपके पक्ष में होंगी। ऐसे ग्रहों की भी योग या 33 कोटि देवी देवताएं बनाएंगे जिससे दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह बदलने के रास्ते पर आएंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। हमेशा अपने जीवनकाल में जय भोलेनाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी के नामों को लेना है। सुबह शाम दोस्तों सभी के नाम लें। ये नाम ही एक बड़ा मंत्र है। सच्चे मन से सुबह शाम इस मंत्रों को, इस नाम को आप जप कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए 33 कोटि देवी देवताएं ऊपर इतना कृपा दृष्टि बरसाएंगे कि जीवनकाल की सारी आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जय हनुमान, संकट मोचन, जय माता दी, जय माँ दुर्गे, सभी का नाम आने वाले समय में अब आपको लेना है। जय दोस्तों, खासकर दोस्तों जब आप सो कर उठें और जब आप सोने वाले हैं दोस्तों, दो समय तो आपको भूल कर भी भूलना नहीं है इन बातों को। तो दोस्तों इन बातों को याद रखें। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आने वाले समय में 2 से 4 दिनों तक बहुत ही कृपा दृष्टि बरसाने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि व्यवसाय आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगी इसलिए उन पर तुरंत अमल करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। घर की देख रेख तथा सुख सुविधा संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। ये दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यवस्था बनी रहेगी। 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपका सिद्धांतवादी तथा व्यापक दृष्टिकोण समाज में आपकी छवि को और अधिक निखारेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। कोई रुका हुआ या फिर अटका हुआ पेशा भी यश में मिलने का प्रबल संभावना बन रही है। जी दोस्तों, अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों यह समय 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से बहुत ही खास समय होगा। आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। यश में आप में उपलब्धियां, उम्मीद संबंधी जो भी सपने आपने सजाए थे दोस्तों वह काफी हद तक पूरे होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों यश में ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी के चारों ओर चक्र की तरह घूमने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का, एक अलग ही शक्ति का आप एहसास करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों यश में पूरे जोश व फिर मेहनत के साथ अपने कार्यों को करते रहें, कार्यों के प्रति प्रयास रहें। ये दोस्तों प्रतिस्पर्धा के दौर में खुद को साबित करने का ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है जब 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। जी दोस्तों, तो भूल से भी दोस्तों समय को बर्बाद ना करें। ऐसे लोगों का साथ ना जाएं जो आपके लिए गलत हैं। इन्हीं लोगों के साथ जाएं जो आपके अंदर एक अच्छी सोच जागृत करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं कि यह चीज तुम्हारे लिए सही है, यह चीज तुम्हारे लिए गलत है। यानी कि दोस्तों इन दिनों में समय का आप सही तरीके से सदुपयोग करें। 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यस्त व्यतीत करने से आपका शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी। आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान लगा पाएंगे।
विद्यार्थियों को किसी विदेश संबंधी परीक्षा में भी शुभ परिणाम मिलने की संभावना बनी है, जिससे आपके अंदर का वातावरण बहुत ही खुशनुमा रहने वाले हैं। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका रुझान बढ़ेगा और दोस्तों यश में उसकी वजह से आपके परिवार में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। जी दोस्तों, तो यश में धार्मिक स्थलों पर जाएं, पूजा पाठ करें, भक्ति भाव पर यकीन करें। दोस्तों आपको बता दें कि जितना आप भगवान पर भरोसा करेंगे दोस्तों, उतना ही भगवान आपके करीब आएगा। जितना आप अपने कामों को भगवान के ऊपर छोड़ देंगे दोस्तों, उतना ही आपके कामों के अच्छे परिणाम आएंगे। कभी भी अपने काम को करते समय ज्यादा गुस्सा ना करें, चिड़चिड़ापन अपने अंदर ना आने दें दोस्तों, बस इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले समय में दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना आपका विशेष गुण रहेगा और भगवान इसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से घर में नजदीकी रिश्तेदारों का आगमन होगा तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान घर के वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखेगा। किसी विशेष मुद्दे पर भी विचार विमर्श हो सकता है। युवाओं को किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में अपनी समस्या का हल मिल सकता है, जिसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में खुशियों की एक अलग झलक दिखेगी। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में भी आपको जो समय होगा, पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और पारिवारिक जीवन लव लाइफ इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। श्रद्धों इसमें स्वास्थ्य की बात करें तो भगवान और देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वास्थ्य इसमें आपका उत्तम रहेगा, परंतु घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए लापरवाही ना करके तुरंत इलाज कराएं। दोस्तों वीडियो के अंत में एक बहुत ही अच्छा ज्ञान कि अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गई मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम के कई और मंत्रा नहीं रखता। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जलते हैं। जी दोस्तों, तो आप भी अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद। आपका दिन सुखमय गुजरे।